अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अब्रार, आप देख रहे टेक अब्रार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Xiaomi .eu 9.6.5 बीटा अपडेट का। दोस्तों इस हफ्ते की बीटा अपडेट नहीं आई, ठीक है, और ये अपडेट Xiaomi .eu हर हफ्ते निकालता है सैटरडे या फिर फ्राइडे को, ठीक है। तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 मिलता है और सिक्योरिटी पैच 5th of June का मिलता है। इसमें दोस्तों मुझे अच्छी बात क्या लगी, तो इसमें हमें इनका अपडेटर मिल जाता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे चूज अपडेट पैकेज, रिबूट टू रिकवरी और व्हाट्स न्यू का तीन ऑप्शन ऐसे मिलते हैं। हम व्हाट्स न्यू पे मैंने टैप किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, सिस्टम फिक्स, लो प्रोबेबिलिटी टू स्कैन प्रॉब्लम, ब्लैक स्क्रीन व लो स्क्रीन, पिक्टोरियल लॉक इज लॉक्ड, द स्लाइड ओपन, फिर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हो, पढ़नी हो तो पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा रिवर्स करके वीडियो को पॉज करके। डिस्प्ले में डार्क मोड मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ डायरेक्ट इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको कैसा चाहिए, ऑलवेज ऑफ, कभी ऑन ना, ऑलवेज ऑन, हर हमेशा के लिए ऑन रहो, और ऑटोमेटिक, जैसे डे हो आपका जो डार्क मोड है वो इनेबल हो जाए, और जैसे डे हो तब डिसेबल हो जाए, और नाइट हो तब इनेबल हो जाए, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक स्क्रीन, ठीक है दोस्तों, अगर आपने कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगाया और आप चाहते हो कि अब जैसे फिंगरप्रिंट लगाए तो आपका फ़ोन जो है स्टार्ट हो जाए, आपको पावर की प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट और फेस डेटा दोनों मिल जा रहा है। फेस डेटा में हमें स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर वेरीफाइंग फेस डेटा एंड शो नोटिफिकेशंस आफ्टर वेरीफाइंग फेस डेटा दोनों ऑप्शन मिल जा रहे हैं। नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको स्टेटस बार, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में दोस्तों आपको LTE की जगह 4G दिखाना है तो आप इसे दिखा सकते हैं, इनेबल करके एक बार आपको लेकिन रिबूट करना होगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्विक सेटिंग लेआउट का। आप देख सकते हैं अभी क्यूब सेटिंग मेरा कैसा है, ठीक है, ये 4x4x3 है, ठीक है। जैसे मैं कॉम्पैक्ट करूँगा तो सारे के सारे लेआउट आप देख सकते हैं 5x3 हो जाएंगे, ठीक है, जो एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस रूम में स्वाइप अप होम स्क्रीन ओपन सर्च मेनू, अब ये तो आपको हर जगह अब तो Xiaomi हमें देने लगा है अपने ऑफिशियल में, इसलिए इसका कोई भी मतलब नहीं। यहाँ पे आपको कैसा चाहिए होम स्क्रीन आपका, 4x6 का, 4x7 का, 4x8 का, सॉरी 5x6 का, 6x6 का, आप जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें स्क्रीन टाइम में, दोस्तों आप देख सकते हो कि आपने एक कितनी बार आपके फ़ोन को अनलॉक किया, सबसे ज़्यादा क्या प्ले किया, ठीक है, स्क्रीन टाइम कितनी देर किस ऐप में स्पेंड की है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आपको आपको यहाँ पे कोई भी स्लीप मोड जैसे मोड्स मिल जाते हैं, यूज अडेप्टिव बैटरी भी मिल जाती है, लेकिन कोई भी AI बैटरी सेवर आपको नहीं मिलता इसके अंदर, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में वही एज इट इज़ वही सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेस एंड होल्ड फॉर टर्न ऑन गूगल असिस्टेंट, अगर आप इसे प्रेस एंड होल्ड किए रहेंगे तो आप 0.5 सेकेंड के लिए तो आपको गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको इंस्टॉल कर लेना होगा उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट का, माफ़ कीजिए मुझे लगा नहीं मिलता लेकिन मिलता है, मैंने पहले सिर्फ वो पहले टॉगल से ही देखे थे। तो आप ये इनेबल करके आप इसका मज़ा उठा सकते हो। क्यूक रिप्लाई का एक नया ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्यूक रिप्लाई नोटिफिकेशन टू सिलेक्ट मैसेज, आप व्हाट्सअप ऐसी चीज़ों में रिप्लाई क्यूक रिप्लाई अगर सिलेक्ट करना चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ये एक अच्छा फीचर है, ठीक है, यहाँ पर अगर करना चाहे तो कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको एक नया मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई चीज़ ओपन कर लेता हूँ जैसे थंबनेल मार्कर, फिर मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ, ऐप सेटिंग में, तो यहाँ पे एक परमिशंस हमें अदर परमिशंस में मिलती है, परमानेंट नोटिफिकेशन की हमें
एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके अंतत्व बेंचमार्क की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक बार किया था, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 115695, ठीक है, आपको ये स्कोर मिलता है इसका, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर से चेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मेरा फ़ोन चेक कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता चेक करें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ों की बात करें तो यार इसे मुझे क्लोज़ करना ही होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इसे और इसे दोनों को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। दूसरे फीचर्स की हम बात करें तो रोम काफ़ी स्टेबल है। पबजी आप हालांकि इसमें HD में नहीं खेल पा रहे, ना ही आपको यहाँ पे AI का कैमरा मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ 4K की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है या नहीं, देख सकते। टाइम स्लैप का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे फीचर्स की बात करें तो रोम काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। नीचे आपको एक सर्च बार मिल जाता है, जिस पर जैसे ही टैप करेंगे शाओमी का जो ब्राउज़र है वो खुल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी रोम स्टेबल और फास्ट है, और वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से ये रोम है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा दिन इस्तेमाल किया है ये रोम, काफ़ी मुझे अच्छी लगी रोम परफॉर्मेंस वाइज। आप ले लीजिए थर्ड पार्टी थिंग का सपोर्ट है। मैं आपसे मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी से चेक करवा देता हूँ कि क्या कैमरा DPI इनेबल है या नहीं। मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा DPI इनेबल नहीं है, लेकिन आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस रोम वैसे काफ़ी फास्ट और बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, किन किन डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ लिस्ट है यहाँ पे बहुत ही लंबी, और मैं आपको बता देता हूँ किस वर्जन पे किस फ़ोन पे है, ठीक है। मान लीजिए रेडमी नोट 5 प्रो तो कौन सी वर्जन पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोको फ़ोन के लिए अवेलेबल है Android 9, मैं सिर्फ 9 बोलूँगा, 8 बोलूँगा, 7 बोलूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। फिर आपको Mi 5S का सपोर्ट मिलता है Android वर्जन 8, ठीक है, 8 वर्जन ओरियो वाला। Mi 9 तो आपको 9 का सपोर्ट मिलता है। Mi Pad 4 यानी Mi Pad Plus 4 Plus, इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो। Redmi QA 20 और Mi 90, जी हाँ Redmi K20 के लिए भी अवेलेबल है ये रोम। Mi 8 और Mi 8 Pro, Mi Max 2, इन दोनों के लिए Android वर्जन 9 है। Mi 5 यानी Mi 5 Pro जो Android वर्जन 8 पे, Mi 9 SE 9, Mi Note 3, Mi Note 7, Redmi Note 7, Mi Max 8 वर्जन पे है। Mi 5 Plus भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इस फोटो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना है रोम इन फ़ोनों के लिए तो भी आप दूसरी मेरी लिंक पे जैसे ही टैप करेंगे, आप मेरी एक साइट पे साइट की लिंक भी, आप जैसे ही टैप करेंगे तो सबसे पहले आपको ये सारे फ़ोन की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको लिंक मिलेगी इन फ़ोन्स के लिए डाउनलोड करने की। वो मैं आप फटाफट सारे नाम बोल देता हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, ऑलरेडी 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। पोको फ़ोन F1, Mi 5S, Mi 9, Mi Pad 4, Redmi K20, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Max 2, Mi 5, Mi 9 SE, Mi Note 3, Redmi Note 7, Mi Max, Mi 5S Plus, Mi Max 3, Redmi 7, Mi Max 2, Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi 8 Lite, Mi Max 2S, Redmi 2, K20 Pro यानी Mi 9 Pro, Mi 9D Pro, Redmi 5, Redmi 5, Redmi Note 6 Pro, Mi 6, Redmi Note 4X, Redmi Note 3, Note 2, Mi 8 AC, Mi 5C, Mi 5X, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5A यानी Redmi Y1, Redmi Note 5A Lite यानी Y1 Lite, Mi 8 Explorer और एडिशन, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus यानी Redmi Note 5। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता दूँ। Redmi Note 7, Mi 6 और Redmi Note 5 Pro, Redmi S2। दोस्तों जो Redmi 5 Plus है वो Redmi Note 5 है इंडिया में, ठीक है। तो यार आप ये गलती मत करना, आप गलती से कुछ और रोम Redmi Note 5 Pro के लिए रोम मत डाउनलोड करना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंस की रोम डाउनलोड करनी है, और Redmi Note 5 Pro वायर्ड है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। Redmi Note 5 अगर चाइना का बोला जाए
तो वो हमारा रेडमी नोट 5 प्रो है, ठीक है। और जो रेडमी नोट 5 वहाँ का रेडमी नोट 5 प्लस है वहाँ, वो हमारा यहाँ पे रेडमी नोट 5 है। तो कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है। जो चाइना में रेडमी नोट 5 प्लस है उससे ही हम इंडिया में रेडमी नोट 5 बोलते हैं, और जो चाइना में रेडमी नोट 5 है उसे हम यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो यार आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बैटरी बैकअप की मैं जाते जाते बात कर लूँ तो काफ़ी इंप्रेसिव बैटरी बैकअप है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट रोम है मेरे हिसाब से, कि काफ़ी स्टेबल और अच्छी रोम है, ठीक है। तो अगर आपको ट्राई करना है एक स्टेबल रोम पे, तो आप इस रोम पे के पास आ सकते हो, देख सकते हो, इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।